यात्रियों की संख्या में कमी से परेशान एयरलाइन कंपनियां अब डिस्काउंट और ऑफर्स का सहारा ले रही हैं। महंगे ईंधन के चलते घरेलू एयरलाइंस न्यूनतम बेसिक किराया पहले ही तय कर चुकी हैं, लेकिन यात्रियों को लुभाने के लिए अब वो बेसिक किराए में भी छूट दे रही हैं। भारी घाटा उठा रही घरेलू एयरलाइंस ने यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए डिस्काउंट का खेल शुरू कर दिया है। बजट एयरलाइन स्पाइसजेट बेसिक किराए में 50% छूट दे रही है। हालांकि इसके लिए 15 दिन पहले टिकट बुक कराना होगा। स्पाइसजेट ने दिल्ली मुंबई के बीच स्पेशल प्रोमो फेयर स्कीम भी शुरू की है, जिसका किराया 599 रुपए होगा। साथ ही सेना के लिए कंपनी 15 अगस्त से बेसिक किराए में 100% छूट दे रही है। पैसेंजर इससे अट्रैक्ट होता है, नंबर वन। नंबर टू, जो एयरलाइंस को इस टाइम कैश क्रंच चल रहा है, क्योंकि पिछले साल के मुताबिक जैसे पैसेंजर्स में गिरावट आई है, तो इनको एडवांस में पैसा मिल जाएगा, लोग महीने बाद ट्रैवल करेंगे। डिस्काउंट के मामले में बड़ी एयरलाइन कंपनियां भी पीछे नहीं हैं। जेट एयरवेज ने भी यात्रियों को लुभाने के लिए 14 दिन पहले टिकट बुक कराने पर खास छूट का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत जेट 14 अगस्त से 25 रूटों पर 1875 और 2500 रुपए में टिकट देगी। इसमें टैक्स और सरचार्ज शामिल नहीं होगा। दिल्ली मुंबई के बीच वीकेंड पर जेट 2500 रुपए बेसिक किराए की स्पेशल स्कीम भी शुरू की है। एयर इंडिया अलग अलग रूट पर यात्रा करने पर पॉइंट दे रही है, जिसके बदले आप मुफ्त टिकट ले सकते हैं या फिर क्लास अपग्रेड करवा सकते हैं। 2 माह पहले एयरलाइन कंपनियों ने 750 किलोमीटर के लिए न्यूनतम बेसिक किराया 1000 रुपए तय किया था। एयरलाइन कंपनियों का कहना था कि इस किराए में कमी नहीं की जाएगी, लेकिन DGCA के आंकड़ों के मुताबिक जून के मुकाबले जुलाई में यात्रियों की संख्या 5 लाख तक कम हो गई। इसके चलते एयरलाइन कंपनियों को खुद ही अपना फैसला बदलना पड़ रहा है। अतुल मिश्रा, दिल्ली।